दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ और बेसन के साथ आज हम इसको बनाएंगे। बहुत ही फ्लफी बनता है, सुबह सुबह की भाग दौड़ में जब बच्चों को टिफ़िन में कुछ देना हो तो हम जल्दी से इसको बना सकते हैं। सॉफ्ट, स्पंजी, सारी क्वालिटीज़ इस ब्रेकफास्ट के अंदर हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक बाउल भर के बेसन लिया है, साथ ही में 2 टेबलस्पून हमने सूजी लिया है और 2 बड़े चम्मच ही हमने मैदा लिया है। अगर मैदा नहीं लेना चाहते आप तो आटा ले सकते हैं। प्याज ले लिया है 1 बाउल भर के, शिमला मिर्च लिया है, वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी डाल सकते हैं, गाजर को ग्रेट कर लिया है, टमाटर डाले हैं बारीक बारीक चॉप करके, और लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को भी बारीक काट लिया है हमने। सॉल्ट डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, जो भी जितना भी बैटर की क्वांटिटी है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्ट मिक्स करेंगे और बस पानी डाल के अब क्या करेंगे, इससे एक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी सा बैटर बना लेंगे। कंटिन्यूसली चलाते हुए हमें इसमें इस बैटर को बनाना है। जितनी भी पानी की नीड है हमें इस बैटर को बनाने में, हम उतना ही पानी डालेंगे अपनी जो बैटर है उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए। 1 टेबलस्पून हमने बस 1 टेबलस्पून ही डालना है, दही डाला है थोड़ा सा फर्मेंट करने के लिए, क्योंकि हम इसको इंस्टेंट बना रहे हैं। इससे क्या होगा, एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा हमारे इस बेसन के नाश्ते में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, बस फेंटते हुए कंटिन्यूसली इसको चलाना है, ताकि इसमें क्या होगा, जैसे जब जब हम इसे ज़्यादा फेंटेंगे उससे इसमें एयर बबल्स बन जाएंगे और ये तवे पर जब हम इसको फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फैल जाएगा और बहुत ही अच्छे से निकल भी जाएगा। थोड़ा फ्रेशनेस लाने के लिए हम हरा धनिया डालेंगे, आप चाहे तो इसमें पालक डाल सकते हैं बारीक काट के, जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आपके घर में आप वो वेजिटेबल्स सभी डाल सकते हैं। प्री हीट पैन ली कर लिया है हमने, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का सा ऑयल डालना है। और आप देख लीजिए एक बार, कंसिस्टेंसी देख लीजिए हमारे बैटर की, बस इस तरह का होना चाहिए फ्लोइंग। और इसको क्या करेंगे, हम डोसे की तरह स्प्रेड कर देंगे फ्राई पैन पर, बहुत मोटा नहीं फैलाना है और बिल्कुल बारीक भी नहीं फैलाना है। बस देखिए आप किस तरह का हमें अपना बैटर पैन पर फैला देना है, और इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पर हमें इसे पकाना है। जब ये पलटने की आ जाएगा कंडीशन में, तो उस टाइम देखिए आप ये साइड छोड़ने लगेगा, ब्राउन हो जाएगा, तो पता चल जाएगा हमें कि ये अब नीचे वाली साइड से पक चुका है। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल ऑयल डालेंगे, आप बटर में, घी में या किसी भी जो भी ऑयल आप खाना पसंद करते हैं उसी में आप इस डोसे को या चीला जो भी आप कहना पसंद करेंगे बना सकते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल्स के साथ हम इसको बना रहे हैं, हेल्थी इसीलिए है ये, क्योंकि वेजिटेबल्स हैं, बेसन बहुत हेल्थी होता है, तो उससे क्या है बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाएगा और जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ऑयल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑयल की नीड है इसमें, हल्के से ऑयल में ही ये बनकर तैयार हो जाता है। देखिए अब एक और बना लेते हैं हम साथ में, पैन हमारा गर्म है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे और इसी तरह से अपना बैटर स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल पतला सा फैलाना है हमें इसे इक्वल, और बस जैसे ही ये हो जाएगा नीचे वाली साइड से तो हम इसको फ्लिप कर देंगे। साइड छोड़ने स्टार्ट कर देता है ये, तो समझ लीजिए कि नीचे वाली साइड से अच्छे से पक गया है। देखिए आप कितनी आसानी से पलट रहा है, ऐसे भी नहीं है कि पैन में चिपक रहा है, हल्का सा ऑयल इधर लगा देंगे दूसरी साइड और बस अलटते पलटते हुए थोड़ा सा प्रेस कर करके हमें इनको पका लेना है अच्छे से। बस इस बात का ख्याल रखना है कि पकाना हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही, हाई फ्लेम पर नहीं, उससे क्या होगा कि एकदम से ऊपर वाली साइड से तो पक जाएगा लेकिन जो अंदर का बैटर है वो अच्छे से नहीं पक पाएगा। तो बस प्रेस करते हुए हमें अच्छे से अपने चीले को पका लेना है, और बस देखिए ऑलमोस्ट हमारा चीला तैयार हो गया है। थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम अच्छे से पका लेंगे, इतनी इजीली ये पलट जा रहा है, ऐसे भी नहीं है कि चिपक रहा है पैन पर, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है।
बस सभी चीले हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए आप इतना प्यारा सा कलर, और चटनी के साथ, सॉस के साथ, सॉस के साथ आप इसे ट्राई कीजिए और बताइए कैसा लगा आपको आज का नाश्ता। थैंक यू सो मच।